अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दोस्तों नमस्कार, मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसे लेकर देश भर में राजनीतिक बहस, बवाल और भूचाल मचा हुआ है। आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA की। और इस मुद्दे पर आज हमारे साथ खास तौर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट राजीव मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई जो नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA है उसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ ये सियासत है? नहीं, ये तो देखो, जब पार्लियामेंट ने बिल पहले पास किया, बिल पास करने के बाद जब बिल राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने को भेजा गया, तो राष्ट्रपति ने जब सिग्नेचर कर करके उस बिल को अपनी स्वीकृति दे दी, तब वो एक्ट बन गया। और अब तो ये बहुत क्लियर है कि सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट ये जो है ये अमल में आ चुका है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये एक्ट आना है नहीं आना है, वो वाली बात नहीं है, वो आ चुका है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये वाकई इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ ये सियासत के लिए ही लाया गया है। नहीं देखो, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि नागरिकता कानून जो है ऐसा नहीं है कि वो आज की देन है। इवन आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 5 में और आर्टिकल 10 में ये प्रोविजन है कि नागरिकता का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से है। दूसरी बात कि 1955 में नागरिकता का कायदा ऑलरेडी था, माने लाया गया, एक प्रॉपर कायदा लाया गया जिसमें विदेशों से आए हुए जो नागरिक हैं या आप कहिए कि प्रताड़ित लोग हैं, इन सबों के लिए नागरिकता का एक प्रोविजन किया गया है। तो वो ऑलरेडी 1955 में एक्ट बना हुआ था, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो ये नया अमेंडमेंट लाया है वो नए अमेंडमेंट के जरिए, वर्तमान सरकार भले ही ये साहब कहने की कोशिश कर रही है कि वह जो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक माने जाएंगे, जैसे मान लो हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, इन लोगों को उसने माना कि ये अल्पसंख्यक हैं धार्मिक रूप से और उनके ऊपर प्रताड़ना की गई है वहाँ और उनको वो देश छोड़ करके धार्मिक कारण से आना पड़ा है, इसलिए हम इनको धर्म के आधार पर नागरिकता देना चाहते हैं। लेकिन देखो, संविधान की मूल आत्मा यह है कि आप भारत के किसी भी नागरिक के साथ, अगर आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्लियर है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ आप भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत क्लियर है आर्टिकल 15 में। तो आप एक चीज समझो, जब आपने नागरिकता आपको देना है और मान लो कि ऐसे ही लोगों को देना है जो आप बोल रहे हैं, तो आप बहुत एक इजी वर्ड था कि आप लिख देते कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं हम उनको नागरिकता देंगे, आप इतना लिख देते तो प्रॉपर हो जाता था। लेकिन आपने जानबूझ करके उसमें धर्म का नाम विशेष रूप से उल्लेख किया और मुस्लिम धर्म को उससे अलग किया, क्योंकि आपका मकसद बवाल फैलाना था, आपका मकसद किसी का हित करना नहीं था, आपका मकसद सियासी था, बवाल कराना था। अभी आपको मैं बताऊं, अभी आप अगर देखने जाओ तो आज जिस तरीके से अमित शाह जी ने एक भाषण दिया था, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, जिसमें वो एकदम ताल ठोक के कह रहे हैं कि देखिए मैं पहले CAA लाऊंगा और उसके बाद, देखना गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं NRC लाऊंगा और यह NRC पूरे देश में लागू करूंगा। ये जो उनका स्टेटमेंट था, ये चिढ़ाने वाला स्टेटमेंट था। कहने का मतलब उनका ये था कि हम CAA लाएंगे, उसमें जो मुस्लिम लोग होंगे उनको हम दरकिनार करेंगे और उसके बाद NRC ला करके उनको हम डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। ये उनका एक मैसेज देना था। वो एक बात बताता है कि इनका जो ये CAA बनाने के पीछे जो इनकी एक मकसद थी वही शुरू से गलत रही है, और उनका मेन मकसद था कि मुस्लिमों में एक चिड़ पैदा हो और वो चिड़ का बाद में वो हिंदुओं के बीच में ये फैला है कि ये मुस्लिम लोग जो हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को ये नागरिकता देना चाहते हैं और हम उसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम सड़क पर उतरे हैं। ये उनका फैलाने का मकसद था और शायद इसमें वो कामयाब हुए। चलिए, मैं मतलब आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सियासी एक मामला है जिसे भाजपा सरकार ने ये किया है। PM मोदी और होम मिनिस्टर जो अमित शाह है, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि अब उन्होंने नया अभियान शुरू किया है, वो गली गली, घर घर जाकर इस बात की सफाई दे रहे हैं
कि आप चिंता मत करिए और नागरिकता संशोधन जो कानून है वो नागरिकता छीनने के लिए नहीं है बल्कि नागरिकता देने के लिए है। आप इसे इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए तो कोई भी जान रहा है, वो अगर समझ रहे हैं कि भारतवर्ष के लोग मूर्ख हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है, तो ऐसा नहीं है। भारतवर्ष के लोग इतने समझदार हैं कि उनको मालूम है ये नागरिकता देने का कानून है। लेकिन नागरिकता देने के नाम पर, और उसके बाद आपने खुद ही ऐलान किया है कि उसके बाद मैं एनआरसी लाऊंगा, मतलब आपने ये इंडिकेट किया है कि आप एनआरसी में कुछ लोग, खास वर्ग को आप निश्चित तौर पे बाइफर्केट करके, आप अलग करके उनको सताने की मंशा रखते हैं। ये जो चीज है उसका विरोध हो रहा है। दूसरी बात कि हिंदू, अब आप पूछेंगे कि फिर हिंदू क्यों विरोध कर रहे हैं, तो हिंदुओं को विरोध करने का कारण एक बहुत क्लियर है कि जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि संविधान ने प्रॉपर कायदा इस देश में दे रखा है किसी भी चीज के लिए, उनका ऐसा मानना है कि भाई आप हमको कल लाइन में फिर से खड़ा करोगे और एनआरसी आप कैसे पहचानोगे? एनआरसी जब आएगा, अभी आया नहीं लेकिन आएगा, तो क्या होगा? हमको, आपको, सबको ये साबित करना होगा कि हम भारत के नागरिक हैं। आप मेरे को बताओ, आज हम 50 साल 55 साल पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोग यहाँ रह रहे हैं और कल हमको लाइन में लग के ये कहना पड़े कि मैं भारतीय हूँ, फिर काहे को आपने पासपोर्ट बनवाया, फिर काहे को आपने मतदाता सूची बनाई, फिर काहे को आपने आधार कार्ड बनाया? और अगर ये चीज करना था तो जिस वक्त भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसके 10 साल के अंदर आपको ये पूरा कानून कंप्लीट कर लेना चाहिए था, लोगों को नागरिकता का एक प्रमाण पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किया। अब इसमें कांग्रेस की गलती रही, किसी की गलती रही, जिसकी भी हो, नहीं तो मोदी सरकार तो यही करेगी, उस वक्त तो हम थे नहीं, जो करना चाहिए था कांग्रेस वो 70 साल में उसने नहीं किया, इसलिए हम कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं ये मानता हूं, लेकिन जब आप वो कायदे पे आ रहे हैं, आप इस तरह का कोई कानून लाने जा रहे हैं, तो आप मेरे को ये बताओ ना, हमको कहां नागरिकता आपने दिया है? हम भी तो सुरक्षित नहीं है, हमको नागरिकता के लिए कौन से पेपर देने पड़ेंगे? आपने ये भी हमको नहीं बताया, मेरा पासपोर्ट आप वैलिड नहीं मानेंगे, मेरा आप आधार कार्ड वैलिड नहीं मानेंगे, मेरा वोटर आईडी वैलिड नहीं मानेंगे, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं मानेंगे, तो आखिर आप हमको मांगेंगे क्या? तो मैं आपको बता दूं, मैंने आसाम का एनआरसी जो है उसको पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम फैमिली ट्री के आधार पर हम नागरिकता को मानेंगे। अब मेरे को बताओ, हम सीधा सीधा बीजेपी के लोगों से पूछते हैं, आज हमारे यहाँ इलाहाबाद का कुंभ का मेला लगता है और त्रंबकेश्वर वगैरह में कुंभ का मेला लगता है, उसमें नागा साधुओं की एक बड़ी टोली आती है, आपको मालूम है, और वो बहुत फेमस माना जाता है। आज उनसे आप कौन सा नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगेंगे? वो कहां से अपना फैमिली ट्री लाके आपको देंगे? फिर उनको क्या करेंगे आप? दूसरी बात कि आज बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं हिंदू जाति में भी जिनके पास भटका मुक्ति है, आदिवासी हैं, जो आज यहाँ कल वहां रहते हैं, उनके पास कोई कागज पत्र, उनको मालूम भी नहीं कागज पत्र क्या होता है, तो क्या आप उनको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे या फिर आप उनको नागरिकता दे देंगे? और उसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम प्रजाति जाति का आदमी है, कोई मुस्लिम संप्रदाय का आदमी है, इसी आदिवासी माहौल में रहता है या इसी भटका विमुक्ति जाति के माहौल में रहता है, तो क्या आप उसको नहीं देंगे? तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों कर रहे हैं भाई? मतलब रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत कर रही है, उसका जो मूल दिख रहा वही है, लेकिन अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो दूसरी सीपीआईएम और दूसरी जो आप आम आदमी पार्टी है, वो जिस तरह से अब सड़क पर उतरने लगी है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी एक सियासत है इस कानून की आड़ में, जबकि इसके लिए कुछ और किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है? देखो ये तो मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि जब एक बार पार्लियामेंट ने किसी बिल को पास कर दिया और एक्ट बन गया, तो अब इस एक्ट को हटाने की जिम्मेदारी सिर्फ दो लोगों पे है, आइदर सुप्रीम कोर्ट इसको हटा सकता है, नहीं तो पार्लियामेंट हटा सकती है। तो लोगों ने क्या किया कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, और कुछ लोग सड़कों पर उतर कर करके कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम गवर्नमेंट विचार करे और पार्लियामेंट में फिर से संशोधन करके इस बिल को ला दे, ऐसा लोगों का प्रयास है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इफेक्ट ना हो। अब इसमें मैं नो डाउट, जब सरकार से कोई गलती होती है तो विपक्ष उसका राजनीतिक फायदा लेना चाहता है, और जो गलती सरकार से कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर हुई है उसका विपक्ष फायदा लेकर के लोगों में एक पैदा करना चाहता है कि सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है और मनमर्जी के आगे किसी के आगे झुक नहीं रही है, और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो शो कर रही है कि हमको किसी के आगे नहीं झुकना है, तो इससे क्या है माहौल थोड़ा और कड़वा होता जा रहा है। और मैं एक बहुत बड़ा बात आपको बताऊंगा कि ये सीएए के बाद जिस तरह के सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसा लगता है मानो पूरे हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो गद्दार है
और पूरे हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो सबसे बड़े वफादार हैं। अब हमको समझ में नहीं आता कि जो लोग बड़े बड़े सरकारी पदों पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े सरकार के मंत्री बने बैठे हैं, ये सब तो ज्यादातर हिंदू हैं और सरकार की सारी तिजोरी को लूटने में इन्हीं का हाथ है। फिर देश का वफादार और गद्दार का परिणाम आप ऐसे कैसे निकाल लेंगे कि चंद मुसलमान अगर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है तो आप पूरे देश के मुसलमान को आप गद्दार बोल देंगे? पूरी कम्युनिटी और जो हिंदू आज देश के महत्वपूर्ण पदों पर बैठ करके, जिनको देश का हमारे और आपके टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है, उनको इतना प्रभुत्व मिलता है, उनको इतनी इज्जत मिलती है, और वो उस पद पर बैठ करके देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश की तिजोरी पर हाथ साफ करते हैं, तो क्या वो गद्दार नहीं है? बिल्कुल। देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि निश्चित तौर पर वो भी एक तरह का, ये भी एक परसेप्शन है कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो भी जिस भी कौम के हैं, वो भी एक तरह की गद्दारी है और उनके खिलाफ भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अब मामला जो है सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गया है सीए, अब ये इंस्टीट्यूशन तक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक पहुँच गया। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखा, आपने अभी जेएनयू में मामला दो दिन पहले की बात है कि उधर कितना बड़ा हंगामा हुआ, नकाबपोश घुसे। आपको लगता नहीं है कि जिन बच्चों की जिम्मेदारी बेहतर पढ़ाई के लिए है, वो लोग अब इस तरह के आंदोलन में कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं या उन्हें उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से ये माहौल बना है वो कहीं ना कहीं देश में अराजक स्थिति को पैदा कर रहा है? देखिए, क्या है कि आज से नहीं, हमारे यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन बहुत पहले से है और छात्र यूनियन की एक बड़ी भूमिका नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स में रहती है। तो आप एक चीज समझो कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि राजनीतिक आधार पर जैसे एबीवीपी बन गए, एनएसयूआई बन गया, एआईएसएफ बन गया, ऐसा बन गया, ये लोग जो बने ये राजनीतिक लेवल के पार्टियों के कार्यकर्ता बन के इन लोगों ने वहां काम शुरू किया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट विंग को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है, तो बहुत बेहतर होता इस देश के लिए। लेकिन चूंकि आप राजनीति के पार्टी के बैनर तले आपने एक छात्र संगठन तैयार कर लिया और वो संगठन के लोग सक्रिय हो गए, इसलिए कॉलेज में भी पॉलिटिक्स चला गया। मेरा ऐसा मानना था कॉलेज में यूनियन होना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए, स्टूडेंट अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उसका चुनाव पार्टी के यूथ विंग या स्टूडेंट विंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। एक कॉमन स्टूडेंट की तरह आप खड़ा होइए, यूनियन बनाइए और यूनियन में आप अपना काम कीजिए और उसी में इलेक्शन हो, जो जीतता है वो प्रेसिडेंट बने, उपाध्यक्ष बने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो हो गया कि एबीपीपी से लड़ेंगे, आयसा से लड़ेंगे, एआईएसएफ से लड़ेंगे, एनएसयूआई से लड़ेंगे, इससे क्या है कि स्टूडेंट को राजनीति की ओर घुमाया गया और मुझे लगता है ये किसी भी स्टूडेंट के हित में नहीं है। राजनीति से स्टूडेंट जितना दूर रहे उतना अच्छा है। मैं खुद भी स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा रहा हूं और मैंने देखा है कि उसका जो लक्ष्य है, मैं चुनाव में भी खड़ा था, उसमें उसका जो एजेंडा यही होता है कि आप छात्रों की राजनीति करेंगे, उन कैंपस को, कैंपस में जो छात्रों की समस्या है उनको लेकर आप राजनीति करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, ना कि आप बाहरी मुद्दों को लेकर आप वहां पर राजनीति करेंगे। लेकिन जिस तरह से जेएनयू और दूसरे यूनिवर्सिटीज में ऐसा हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से छात्रों का मुद्दा न रह के बल्कि जो बाहरी जो मुद्दा है उसके नाम पर छात्र बरगलाए जा रहे हैं या उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि आप स्टूडेंट हैं, आप देश में अगर कोई कानून बनता है, किसी कानून का विरोध करना है, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो बाहर में काम कर रही हैं, उनको करने दीजिए। आप स्टूडेंट हैं, कैंपस में अगर कोई गलती हो रही है, उस कैंपस में आपके साथ कोई नाजायज हो रहा है, फीस बढ़ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस पर आप अगर लड़ते हैं तो वो ठीक लगता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप बाहर जो पार्लियामेंट कुछ पास कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ पास कर रही है, उसको लेकर के स्टूडेंट को उग्र होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके एजुकेशनल संबंधित कोई नीति दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आपका एजुकेशनल लेवल जो है वो पर इफेक्ट हो रहा है, तो आप निश्चित तौर पर अपनी बात बनाइए। वो भी सारे स्टूडेंट एक होकर के एक शिष्टमंडल जाए और वो बोले कि भाई ये विद्यार्थियों के साथ गलती हो रहा है, इसको आपको नहीं करना चाहिए, तो वो दैट इज गुड। मुझे ऐसा लगता है कि जेएनयू की जो घटना है निश्चित तौर पे बहुत ही शर्मनाक है और आज जेएनयू जैसा यूनिवर्सिटी जिसको वर्ल्ड लेवल का यूनिवर्सिटी माना जाता है, एक तो कि आप देखो वर्ल्ड के किसी 100 यूनिवर्सिटी में हमारे भारत के किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी जेएनयू है। आपको एकादौर यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, आईआईटी हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, इनका एक अच्छा नाम है।
अगर ये इंस्टीट्यूशन भी इस तरीके से बर्बाद होने लगे और यहाँ भी गुंडे तत्व जो है वो सक्रिय होने लगे, भले वो किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, आयसा के हों, एआईएसएफ के हों, एबीवीपी के हों, अगर गुंडे तत्व यहाँ सक्रिय हो रहे हैं तो ये बहुत चिंताजनक बात है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर जो शैक्षणिक संस्थान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उसमें इस तरह की गतिविधियां होती हैं, क्रिमिनल जो एक्टिविटी है इस तरह की अगर होती है तो निश्चित तौर पर उसकी बदनामी होती है, और ख़ासकर भारत के शैक्षणिक संस्थानों के लिए बहुत गंभीर चिंतन की बात है, इससे निपटने की जरूरत है। इम्पॉर्टेंट बात एक और है मिश्रा जी कि अगर इस जिस तरह से CAA कानून को लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा है, इस देश में सबसे सर्वोच्च न्यायालय है जो बड़े बड़े मुद्दों को, जैसे राम मंदिर का मुद्दा उसने सुलझाया, 3 तलाक के मुद्दे उसने सुलझाए, और भी अहम मुद्दों को लेकर गंभीरता से आज जो न्यायिक जो पूरा सिस्टम है वो काम कर रहा है, तो फिर इस CAA के मुद्दे पर अगर किसी को एतराज है तो वो सुप्रीम कोर्ट में गंभीरता से क्यों नहीं इसकी पहल की जा रही है? आखिर वो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर सरकार ने कुछ गलत किया है तो निश्चित तौर पे उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, जो संविधान विशेषज्ञ समिति है उसके ऊपर फैसला लेगी, पीठ फैसला लेगा। आपको नहीं लगता कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये चाहे कानून बनाने वाली हो या कानून का विरोध करने वाली हो, सब इस मुद्दे को सिर्फ भुनाना चाहते हैं बल्कि हकीकत में इसका समाधान जो है कोई नहीं चाहता? देखिए, अभी एक चीज तो मैं बोलूंगा, जो आपका एक बात यह है कि कानून का विरोध करने वाले और कानून का समर्थन करने वाले, ये निश्चित तौर पे अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आप समझो कि राजनीति में होता ही यही है कि आपकी कोई नीतिगत फैसला, आपकी कोई चूक है तो विपक्षी सड़क पे आते हैं, और आप भी कल विपक्ष में थे तो आप भी यही कर रहे थे, हमारा कहना है। लेकिन अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि देश में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी करूं, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, इसमें मैं एक बात मानता हूं कि पिछले कुछ सालों में या महीनों में अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कैसे खड़ा हो गया है? अभी आप देखो, धारा 370, एक स्टेट का स्टेटस बदल दिया गया है, एक स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और ये जो डिवीजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं है, इसके लिए आपको अर्जेंट बेसिस पे सुनना चाहिए था इसको। आप पिछला 6 महीने से, आज जम्मू एंड कश्मीर की जो हालात है, आप पिछले 6 महीने से उस पर सुनवाई नहीं कर रहे। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात है, एक स्टेट का डिवीजन हुआ है, दो पार्ट में उसको बांटा गया है, स्टेट से उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और आपको ये जरूरी नहीं लगता सुनने के लिए? तो ये थोड़ा सा वो हो गया। फिर आ गया CAA पे, अभी आप देखो CAA पे 59 पिटीशन दाखिल हुए, 15 है। आप मेरे को बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रही है कि छात्रों पे गोली चले या जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मारा जाए, 30-35 जाने चली गई? आप वेट कर रहे हो, अभी भी आपने उसको अर्जेंट बेसिस पे सुनवाई के लिए नहीं लिया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इंडिकेट करती हैं, और लोगों का एक भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे जो था, एक तो 4 जजेस जो बाहर आकर के जिन्होंने कहा कि आज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खतरे में है, वो होने के बाद से ऐसा एक मैसेज चला गया है लोगों में कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं दबाव में है, और ये जो मैसेज है ना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि पूरे भारत की आशा की किरण अगर कोई जगह थी तो वो न्यायालय था। अगर न्यायालय पर भी अगर पक्षपात का थोड़ा भी शंका होने लगे या लोगों का भरोसा उठने लगे तो ये बहुत खतरनाक है, सुप्रीम कोर्ट को इससे बचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुप्रीम कोर्ट की परिधि में आता है उसकी सुनवाई वो सबसे अर्जेंट बेसिस पे करें, क्योंकि संविधान की रक्षा ये सुप्रीम कोर्ट का प्रथम दायित्व है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, खुद मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जजों को डराया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह का मामला बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उठा था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि ये जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको भी दबाव में लाकर काम करवाना चाहती है। तो एक्चुअली इसमें सच्चाई क्या है? एक तरफ मोदी कहते हैं, पीएम मोदी कहते हैं कांग्रेस बदनाम कर रही है और डिमोरलाइज कर रही है इसमें न्याय व्यवस्था को, दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में सुप्रीम कोर्ट काम कर, जनता क्या समझे? देखिए, मैं तो एक छोटा सा बात बोलता हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जो है, जिनको ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होता है, उन्होंने एक डिसीजन लिया, आपको मालूम है जस्टिस कुरैशी का, जस्टिस कुरैशी को उन्होंने मध्य प्रदेश का, गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने उसको पास किया
कॉलेजियम ने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको वहां बहाल नहीं होने दिया। बाद में कुरैशी को उठा कर करके त्रिपुरा हाईकोर्ट, मतलब एक बड़े हाईकोर्ट को छोड़ करके उनको बहुत छोटा सा हाईकोर्ट एक दिया गया, त्रिपुरा हाईकोर्ट के मामले में छोटा माना जाता है, तो उसमें आपने उसको उठा दिया। तो इससे क्या लगा लोगों को कि कुरैशी को क्यों उठा के फेंका गया, क्योंकि कुरैशी वो आदमी थे जिन्होंने अमित शाह जी को तड़ी पार होने का आदेश सुनाया था और जिन्होंने उसको 2 साल तक उनको गुजरात से बाहर रहने का कहा था और उनको जेल में भी डाला था, दोनों बात हुई थी। तो ये कुरैशी थे, तो उस हिसाब से लोगों को ऐसा लगता है कि जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कुछ इंटरफेरेंस है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदला। इस तरह के बहुत सारे केसेस है। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं 2-2 हाईकोर्ट के जजेस को पनिश कर चुकी है, किस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। तो जुडिशियरी पर अब ये बातें आने लगी हैं सामने कि जुडिशियरी भी अब एकदम पाक और पवित्र नहीं रह गया है, और ये चीज जो है ना लोगों के मन में डर पैदा करता है। और तब लोग क्या करते हैं कि जब जुडिशियरी का कोई डिसीजन आता है तो फिर उसका विश्लेषण करते हैं। हालांकि हम जुडिशियरी के जजमेंट का विश्लेषण नहीं कर सकते, हम कॉमन आदमी है, जुडिशियरी जो करती है वो पूरे लॉ पॉइंट को देख के करती है। लेकिन जब ये मैसेज जाएगा कि करप्शन जो है उसने जुडिशियरी को भी घेर लिया है, तो निश्चित तौर पे फिर आपके जजमेंट का लोग एनालिसिस करेंगे और लोगों को जो समझ में आएगा वो बात करेंगे। आज स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की आलोचना करना राष्ट्र माने सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नहीं है, नहीं है, ओके, ये खुद बोला है। सर एक चीज हमेशा बात उठती है कि भारत का जो लोकतंत्र है बहुत समृद्ध है, बहुत परिपक्व है, बहुत मैच्योर्ड है, और यहाँ की जो जनता है वो भी बड़ी मैच्योर्ड है लोकतंत्र को लेकर। ऐसी कंडीशन में आपको नहीं लगता कि मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं संविधान की बजाय राजनीतिक परसेप्शन से डरते हैं? आपको कितना लगता है कि क्या कम्युनिटी वाकई अभी भी उतनी परिपक्व मैच्योर्ड नहीं हो पाई है क्या, जो अपने दम पर अपने विचारधारा अपने अपनी सोच के हिसाब से किसी मुद्दे को लेकर चिंतन कर सके? देखिए मैं तो एक बात बोलूंगा, आज जो ओबैसी हैं, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, ये बार बार संविधान 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 कहते हैं। हमको खाली ओबैसी इतना बताएं कि उन्होंने कितने मुस्लिमों को संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आज जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, जितने भी, हमको वो बताएं कि उन्होंने अपने लोगों को कितनी बार संविधान पढ़ने की सलाह दी है, संविधान को जानने के लिए उनको उत्सुकता दिखाया। वो लोग क्या चाहते थे? वो लोग चाहते थे कि कट्टर मुस्लिम बने रहे। कट्टर मुस्लिम बनाने के प्रति उनका ध्यान ज्यादा रहा है। वो कभी भी मुस्लिमों को संविधान क्या है, बाकी की दीन दुनिया क्या है, बाकी की पढ़ाई क्या है, गवर्नमेंट की योजनाएं क्या है, इसको समझाने की बजाय वो कट्टर मुसलमान बनाने में जो उनका जो प्रवृत्त रहा है, उसके चलते आज मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और मैं इसमें किसी को भी, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, मैं ये मानता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करना चाहिए था, लोगों को कायदा बताना चाहिए था कि, और ये कहना चाहिए था कि आप तभी मजबूत नागरिक बन सकते हैं जब आपको संविधान का नॉलेज हो, वरना आपको कमजोर हमेशा लोग ट्रीट करेंगे। तो वो जो चीजें हैं वो किसी ने नहीं की। आज वो लोग संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर को खूब याद करते नजर आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि यही अगर आपने शुरू से ही मुस्लिमों को इसके प्रति प्रेरित किया होता और कुरान के साथ साथ संविधान के प्रति भी उनको उतना समर्पित किया होता तो आज यह बात नहीं होती। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को इस देश में डरने की जरूरत है? एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि सीए ऐसा है जो इनको अपने भारत से बाहर भेजवा देगा, मोदी सरकार बाहर इनको भेज देगी, इनकी नागरिकता छीन लेगी। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल संसद में खड़े होकर कहते हैं मुसलमानों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना तो डरने वाले। आपको क्या लगता है, क्या वाकई मुसलमानों को इस तरह के कानून से डरना चाहिए कि इसका फाइट, इसके खिलाफ अपना संघर्ष करना चाहिए? देखिए मैं हालांकि धार्मिक लेवल पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। आप मेरे को बताओ, इस देश में मुसलमान कभी भी डरे हुए नहीं थे, कभी भी नहीं। आपको मैं, हालांकि ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए क्योंकि ये संप्रदाय विशेष की ओर थोड़ा सा इंडिकेशन हो जाएगा, लेकिन मैं माफी के साथ उस संप्रदाय से माफी मांगते हुए कहता हूं कि बल्कि जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं और वहां अगर हिंदू कम संख्या में हैं तो हिंदू निश्चित तौर पर थोड़े डरे हुए नजर आते हैं, और लेकिन जहां जहां हिंदू बहुल इलाका है और वहां मुस्लिम कम संख्या में है वहां मुसलमानों में कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। ये कारण सिर्फ एक है, मैं अभी भी कहता हूं कारण सिर्फ एक है,
हिंदुओं को निश्चित तौर पे कायदा और कानून के प्रति और भारतवर्ष के जो नियम है उनके प्रति जागृत करने का काम उनके नेताओं ने ज्यादा किया, लेकिन मुस्लिम नेताओं ने नियम और कायदे से ज्यादा धार्मिक कानून के प्रति उनको उत्साह करके रखा है और धर्म के लिए उन्होंने पूरा जिसको बोलते हैं ना कट्टर मुसलमान बनाने का जो एक प्रयास उनका रहा है उस कारण से आज ये आपको विभाजन थोड़ा दिखाई देगा। और निश्चित तौर पे मैं ये कहता हूँ इसमें मुसलमानों का कोई दोष नहीं है, उनके जो अगड़े नेता हैं जो अगुआ हैं उन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों का एक ध्रुवीकरण कर करके उसका जो फायदा लेने का प्रयास किया है ये उसका कारण है कि आज हिंदू भी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण अपना होता जा रहा है हिंदुओं का भी। और ये देश के लिए किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। हम सब इंसान हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, हम लोगों को आपस में हिंदू मुस्लिम के तौर पे नहीं बंटना चाहिए, वरना हम जब जब इस पर बंटते रहेंगे तब तब राजनेता इसका फायदा उठाते रहेंगे। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि हमें बंटना नहीं चाहिए क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब जिस संविधान से देश चलता है उसे जनता जानती ही नहीं है और जो जानते हैं वो नेता बनकर उसका फायदा उठा रहे हैं। आपको इसका क्या समाधान लगता है? देखिए कि जनता अपना अधिकार समझे, अपना हक जाने, अपने अधिकारों की लड़ाई करे खुद और वो खुशहाल रह सके, इसके लिए क्या समाधान आपको लगता है कि संविधान जानना जरूरी है? देखिए मैं तो एक बात बोलता हूँ, आप एक चीज समझ लो, किसी भी देश के विकास में उसका सबसे बड़ा रोल जो होता है वहां की कानून और व्यवस्था का होता है। आप इतना समझ लेना, कानून और व्यवस्था मतलब करप्शन को लेकर के भी कानून और व्यवस्था है। तो आप इतना जान लो कि अगर किसी भी देश को विकास के राह पे आगे बढ़ना है तो उसको सबसे बड़ी आस्था अपने देश के संविधान में और अपने देश के कानून व्यवस्था में होनी चाहिए। और जब तक ये आस्था आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था इतना अच्छा है इस देश का, पर्सनली भारत का, कि हम लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ कानून ने इंसानियत की राह पे चलने के लिए प्रेरित किया और हमारी बड़ी गलतियों के लिए भी हमारी सजा बहुत छोटी निर्धारित की है। तो अगर हम इस छोटी सी सजा में ही सुधर जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। हमारा कहना यह है कि आप कानून में, आप न्याय में, अपने संविधान में विश्वास कीजिए और इंसान बनिए। आप मुसलमान नहीं, आप हिंदू नहीं, आप सिख नहीं, आप ईसाई नहीं, ये बनिए, आपका रिलीजन है आप उसका पालन कीजिए, लेकिन जब जब देश की बात आए तब तब इस सारे धर्म से आगे निकल करके आप हिंदुस्तानी बनिए, आप भारतीय बनिए। मिश्रा जी कोई अपील आप करना चाहेंगे क्योंकि आपने खुद सीए को लेकर नागरिकों को जागरूकता के लिए कार्यक्रम आपने चलाया, आपने रैली भी निकाली, ओवरऑल लविंग भाई की जनता बहुत सुजान है, बहुत समझदार है, फिर भी इस कानून को लेकर कोई किसी तरह की भ्रांति न रहे और सच सामने लोगों को आया, किस तरह की आप अपील, किस तरह की आप उनको मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए मैं तो एक ही मार्गदर्शन करूंगा कि प्रोटेस्ट करना आपका काम है, आपका अधिकार है, आप प्रोटेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि कानून में खामियां हैं तो निश्चित तौर पर प्रोटेस्ट करें, उस खामियों को जानकारी के साथ प्रोटेस्ट करें, आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या खामियां हैं इसमें, और तब आप प्रोटेस्ट करें, किसी के बहकावे में आकर प्रोटेस्ट ना करें। जो भी करना है अपने विवेक का इस्तेमाल करें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, नागरिकता का जो कानून आया है संशोधन कानून उसको पढ़ें, पहले का जो नागरिकता कानून था उसको पढ़ें, फिर उसका डिफरेंसेस को अध्ययन करें कि क्या डिफरेंसेस है, और तब आपको लगता है कि ये नाजायज कानून है तो निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सबसे बड़ा अपील सुप्रीम कोर्ट से रहेगा आपके चैनल के माध्यम से, पता नहीं मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन सबसे बड़ा अपील सुप्रीम कोर्ट से रहेगा कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर इस तरह का कोई मामला आपके सामने आता है तो प्लीज इस पर आप अर्जेंट सुनवाई कीजिए, जिससे कि इस तरह का बवाल इस देश में दोबारा क्रिएट ना हो सके और इस तरह से कुछ मासूमों को अपनी जिंदगी से हाथ न धोना पड़े। बहुत बहुत थैंक यू कि जैसा आपने देखा कि पॉलिटिकल एनालिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट राजीव मिश्रा जी किस तरह से सीए कानून को लेकर उन्होंने अपनी जानकारी दी, उन्होंने उम्मीद ये सबसे बड़ी जताई है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से देश भर में इस कानून के खिलाफ और कानून को लेकर उसके समर्थन में जिस तरह का बवाल मचा है और जिस तरह से ये इस पूरे मामले के समाधान के लिए सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर अटकी हुई है, तो ये आपकी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें प्रायोरिटी के साथ, प्राथमिकता के साथ इस पर सुनवाई करना चाहिए ताकि जो देश की जनता उसमें जो भ्रम फैला हुआ है उस भ्रम का जो समाधान हो सके, सच्चाई सामने आ सके। अगर कहीं कानून में गलती है तो निश्चित तौर पर इसे रोल बैक करना चाहिए।
और ये देश की जरूरत है, क्योंकि ये देश संविधान पर चलता है। किसी राजनीतिक पार्टी या किसी नेता के लिए ये देश कभी रुका नहीं है, ना कभी आगे रुकेगा। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर आपकी जो अपील है, मिश्रा जी की जो अपील है, उस पर कहीं ना कहीं ये संदेश जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा और लोगों के बीच में भी जाएगा, ताकि वो लोग भी इस बारे में गंभीरता से चिंतन करें, अपनी आवाज बुलंद करें। आज के मंथन में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किस नई शख्सियत के साथ मिलेंगे और आपसे जुड़े मुद्दे पर करेंगे मंथन। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TV1 इंडिया, क्योंकि ये खबरों का नया अड्डा है।